हूँ। दो तो तीन दिन बीच में कुछ कारण से मैं ये जो सीरीज हमारी चल रही है एक्यू टिप्स की, उसमें वीडियो नहीं डाल सका। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ऑल ओवर इंडिया है और कुछ आउटसाइड इंडिया भी है, उनमें से उनके पास से जो सवाल आते हैं उसके मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मैं दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब लोगों को आना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोटोकॉल बनाने की जो सोच है, जो दिशा है, वो दिशा देना यही इतना काम है। क्योंकि प्रोटोकॉल्स तो आपको कहीं भी कोई भी बुक में मिलेंगे, मगर जब भी ग्रुप में प्रोटोकॉल मिलते हैं तो वहां कोई भी डायरेक्शन नहीं रहती है। वहां कैसे बनाया, क्या सोच है, ये कुछ नहीं रहता है। वो सोच देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक ये याद है, एक बीच में कुछ साल पहले एक सिनेमा आया था ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड में वो परेश रावल और अक्षय कुमार वगैरह है, तो परेश रावल को लोग इसके पीछे लगते हैं, तो अक्षय खन्ना, सॉरी अक्षय खन्ना नहीं, अक्षय कुमार कृष्ण का रूप है वहाँ उसमें, और वो मोटरसाइकिल से लेके उसको कैसे भी कुछ के स्टंट विंट होके बचा लेता है और उसको घर के बाजू में जाके छोड़ देते हैं परेश रावल को। तो परेश रावल बोलता है, तूने मुझे इतनी सब गुंडागर्दी से और लोगों से बचाया और अभी थोड़ा ही दूर है मेरा घर, तो वहां तक छोड़ देना मुझे। तभी कृष्ण के रूप में जो अक्षय कुमार है बोलते हैं, देखो मेरा काम रास्ता दिखाना है, चलना तो तुमका ही पड़ेगा। तो वही बात मैं भी यहाँ पे करता हूँ कि रास्ता दिखाना मेरा काम है, कैसी सोच होनी चाहिए उसका मैं रास्ता दिखाऊंगा, पॉइंट ढूंढना और उसमें से आगे रास्ता निकालना, फिर ट्रीटमेंट देना, ये सब बातें आपको ही करने पड़ेगी क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप काम करने वाले। ओके, तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो प्रोटोकॉल की सोच है, वो सोच अपने एक स्टूडेंट ने पूछी है कि लाइपोमा के लिए कुछ बताइए सर। लाइपोमा सबसे पहले ध्यान में रखो, जब भी हमारे सामने कोई मेडिकल डायग्नोसिस आता है, जो मेडिसिन दे मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिसिन का मतलब है एलोपैथी मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, तो उनके पास से जब भी कोई डायग्नोसिस आती है, ये डायग्नोसिस जो आता है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहती, वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स का एक समुच्चय रहता है, दो चार वर्ड्स इकट्ठे करके उसको दिखाने की, उसको समझाने की एक योजना उसमें से हो जाती है। ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली उसके ऊपर मैं पहले भी बोला था कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ, मगर नहीं हुआ, मुझे नहीं लगा कि लेना चाहिए क्योंकि इतनी बात जानकारी मुझे नहीं है उसके बारे में, मगर जब भी जरूरत पड़े तभी मैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसमें से राह निकालता हूँ। तो उसमें से ये आज का लाइफ है, जब भी हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना है, और उसमें से मैं हमेशा बोलता हूँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हमें एक्यूपंक्चर के साथ जोड़ना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को एक्यूपंक्चर के साथ जोड़ना है, तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है वो मालूम होनी चाहिए। हाँ, जरूरत नहीं है कि आपको पूरी दुनिया में जितने भी डिसऑर्डर से उसकी सबकी टर्मिनोलॉजी, मगर उसके तरफ देखने की सोच आपको मालूम होनी चाहिए और आपको एक्यूपंक्चर मालूम होना चाहिए। एक्यूपंक्चर के फंडामेंटल से, जो जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं, टीसीएम बोलते हैं, वो आपको पक्के मालूम होने चाहिए। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं एक हमेशा मैं मुझे जो अभी कल परसों जो मन में विचार आया कि मैंने एक अब मेरे हमारे जमाने में, जब हम कॉलेज में वगैरह थे उसके पहले भी एक सिनेमा आया था किशोर कुमार का, चलती का नाम गाड़ी, और उसमें गाना जो है, उसमें के गाने के जो बोल है वैसे, बंधी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की, बंधी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की, मतलब इसमें हम लोग इसको यहाँ कैसे जोड़ेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि ये जो बंधी मुट्ठी है ना, जो वर्ड्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारे पास डायग्नोसिस करके आती है, वो बंधी मुट्ठी जैसे कुछ समझता नहीं है उसमें क्या है, मगर
हम उसको खोलेंगे, खोलेंगे मतलब क्या करेंगे, हम उसके दो तीन टुकड़े करेंगे, दो तीन चार, नॉर्मली दो या तीन ही होते हैं उसमें, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है सफिक्स। तो जनरली प्रीफिक्स और सफिक्स ये बीच वाला जो मिडिल पोर्शन है ना, उसको एनहांस करने के लिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए उसका काम करते हैं। तो मेन बॉडी बीच में होती है, कभी दो ही रहते हैं प्रीफिक्स और मेन बॉडी है, कभी सफिक्स मेन बॉडी और सफिक्स रहता है। तो अभी हमारा जो आज का ये है, तो हमें ये मुट्ठी जो है ना, लाइपोमा की मुट्ठी, ये लाइपोमा की मुट्ठी खोल के उसको क्या, बंदी मुट्ठी लाख की खुले तो प्यारे खाक की, तो उसमें से खाक निकालनी है, उसमें से सब कुछ निचोड़ निकाल देना है। तो ये जो है, तो लाइपोमा का मतलब क्या है, अभी हमें लाइपोमा जब भी हमारे सामने शब्द आ जाता है, तो इस लाइपोमा को हमें दो टुकड़े तो कम से कम करने पड़ेंगे। अभी कैसे करते हैं उसके ऊपर है, हम ठीक से करेंगे तो हमें उसमें से रास्ता निकलेगा, गलत से करेंगे तो भूले भटके कैसे जाएंगे। मेरी एक भांजी है, वो थोड़ा यानी इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ी है और इंग्लिश में पढ़ी है, तो सब कुछ उसको मराठी आती है, बोलने में आती है, मगर मराठी के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उसमें कैसे गड़बड़ हो गई, वैसी यहाँ पे हमारी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। वो रिक्शा से जा रही थी, तो और पापा को पूछती, पापा वो रिक्शा के ऊपर क्या लिखा है देखो, कमन शिबी, इसका मतलब क्या है, कमन शिबी, कमन शिबी, कमन शिबी मतलब वो कम एंड शिबी, ऐसे कुछ वो सोच रही थी, कमन शिबी का मतलब क्या है, ऐसे कमन शिबी सोच के हमारे मन में नहीं जाता है, मगर जब भी हम हाथ से लिखे हुए या कोई प्रिंटेड लिखते हैं ना, तभी उसके पापा ने कहा, अरे पागल, वो कमन शिबी नहीं है, कम नशीबी है, कम नशीबी, दोनों का साथ में जोड़ दिया और उसने बोला कमन शिबी, हम लोग बोलते कम नशीबी। तो हमें वैसे ही ये लाइपोमा को ठीक से दो टुकड़े करने हैं, कम नशीबी, वैसे लाए लाइपोमा, हम लोग लाए भी बोल सकते हैं, पो दूसरा हो सकता है, मा तीसरा हो सकता है, या लाइपो एक साथ में और मा दूसरा, और या लाए एक साथ में पोमा दूसरे में, ऐसे तीन तरीके से हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी हमें क्या ग्रीक और लैटिन वर्ड्स की या उसकी लैंग्वेज की मालूमात होनी चाहिए, मगर आजकल के जमाने में ये सब मालूमात होने के लिए बहुत आसान है, गूगल को पूछो तो बता देगा लाइपोमा का मतलब क्या है। तो लाइपोमा के जो दो टुकड़े हैं, वो दो टुकड़े आप समझ जाएंगे तो आपके सामने ट्रीटमेंट उसकी क्या करनी है वो सीधे आ जाएगी। लाइपो का मतलब है, ग्रीक वर्ड है लाइपो, उसका मतलब है फैट, लाइपो का मतलब है फैट। हाँ, और मा जब भी सफिक्स करके आता है उसमें, लाइपो मा जब भी कोई भी इंग्लिश या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मा नाम का सफिक्स आता है, तो उसका मतलब है गांठ, मा का मतलब है गांठ, और लाइपो का मतलब है क्या बोला मैंने, चर्बी, या बूढ़ा हो गया हूँ, ध्यान में नहीं आता है, तो ये ऐसी बात हो गई। तो चर्बी की गांठ, लाइपोमा मतलब चर्बी की गांठ। अभी ये जो चर्बी की गांठ है, तो आपको पता है ये गांठ है तो गांठ फोड़नी पड़ेगी, और ये जो गांठ है उसको कैसे, उसके फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, उसका दिखना कैसे रहता है। ये जो लाइपोमा है, वह लाइपोमा शरीर में कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी होता है, और ये जो गांठे हैं, यानी माँ जो बोला उसके बारे में मैं बाद में और बोलूंगा। लाइपो शब्द जो है, तो लाइपो सेक्शन आपने शायद सुना होगा, जिसमें शरीर की चर्बी, शरीर की फैट्स है वो काट के निकालते हैं, लाइपो सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या है, कट कर देना, तो लाइपो सेक्शन मतलब चर्बी निकाल देते हैं वजन कम से करने के लिए। हाँ, वैसा दूसरा माँ का जो है, तो माँ जनरली जही जहां पे भी गांठ बनती है उसको माँ नाम से जोड़ते हैं, और बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड जी टर्मिनोलॉजी आती है उसमें ये माँ शब्द आता है। तो जब भी आपको माँ शब्द दिखेगा एंड में कोई भी टर्मिनोलॉजी में, तो समझो वहां पे गांठ है, और कैंसर है या नहीं वो थोड़ी अलग बात है। तो लाइपोमा, तो हमें क्या अभी क्या हो गया, तो ये जो लाइपोमा है मतलब चर्बी की गांठ है, ये कैसे दिखती है शरीर में, ये शरीर में स्किन के अंदर रहती है, मसल्स के ऊपर स्किन के अंदर रहती है,
और थोड़ी यहां वहां हिलती हुई हिलती रहती है, तो दबाएंगे तो थोड़ी खसक जाएगी, मगर सॉफ्ट रहती है उसमें जनरली। इसको किसी को भी कुछ पेन नहीं रहता है, उसको भी कुछ तकलीफ भी नहीं होती है। हाँ दिखने में थोड़ी खराब दिखती है, और जब भी किसी को भी हो जाता है और शरीर में ऐसी गांठ दिखेगी तो वो गांठ की तरफ तो अपना ध्यान जाएगा और दिमाग में तकलीफ ज्यादा होती है, ऐसे उसकी कोई तकलीफ नहीं है। मगर उसको निकालने के लिए अभी रास्ता क्या करना पड़ेगा? अभी ये क्या है, फैट है, चर्बी है, फैट है। तो हमारे एक्यूपंक्चर में चर्बी और फैट कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है? चर्बी और फैट जो है वो कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, ये तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। एलिमेंट्स का टेबल आपके दिमाग में पक्का रहना ही चाहिए, तो ही आप एक्यूपंक्चर में काम कर सकते हैं। वरना अंधे में अंधे के हाथ में कुछ दे दिया और चल गई तो चल गई, ऐसे वो बात हो जाएगी। तो ये जो फैट्स है, ये फैट आती है अर्थ एलिमेंट में। और मेरा जो फॉर्मूला है हमेशा का कि कोई भी एलिमेंट को ठीक करना है, ये एलिमेंट फालतू में कुछ काम कर रहा है ना, तो उसको जब भी ठीक करना है तो हमें वो एलिमेंट की, जिन एलिमेंट के जो मेरिडियन है, यिन मेरिडियन की, यिन मेरिडियन जो है एलिमेंट की, यिन मेरिडियन है उसके 3 गोल्डन पॉइंट्स जो है, वो 3 गोल्डन पॉइंट्स को हमें ट्रीटमेंट देनी है। अभी आप ढूंढो कि लाइपोंगे ट्रीटमेंट के लिए या चर्बी की कोई भी ट्रीटमेंट है तो उसके लिए हमें कौन से एलिमेंट और उसकी कौन सी मेरिडियन और उसके ऊपर के कौन से 3 गोल्डन पॉइंट लेने हैं। दूसरी बात आती है कि जब भी हमें कुछ भी कहीं भी एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करना है तो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट क्या है? हम दवाई तो नहीं डालते, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट क्या है कि शरीर के अंदर की जो प्राण शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, जिसे चाइनीज में ची बोलते हैं, ये ची कहीं पे भी कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको हमें काम में लगाना है, उतना ही है। तो क्या करना चाहिए? वो ची को जागरूक करने के लिए वो जहां पे भी वो गांठ है उसके आजू बाजू में 4-5 सुइया लगा, उसको एन सर्कल करो उसके राउंड। तो इसके लिए मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स आप लोग हैं उनको याद रहेगा मेरे लेक्चर में मैंने बोला हुआ कि क्या करना है, ऐसी कोई जगह रहेगी तो उसके आजू बाजू में रंग सुइयों की रंगोली निकालो, सुइयों की रंगोली निकालो। और ये जो मैं बोलता हूँ सुइयों की रंगोली निकालो, इसी को चाइनीज में बोलते हैं एन सर्कलिंग द ड्रैगन। तो नए सीखने वाले हमारे जो लोग हैं ना, मेरे अलावा और कहीं से सीखते हैं, उनको लगता है एनसर्कलिंग द ड्रैगन मतलब हमें क्या बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं कर रहे, हम सुई की रंगोली निकाल रहे हैं। जैसे घर के दरवाजे के सामने हम लोग रंगोली निकाले, स्वस्तिक निकालते हैं और सब शुभ हो जाता है, वैसे ही सब शुभ करने के लिए ये रंगोली निकालनी है। अच्छा दूसरी बात क्या करनी है? तो जहां पे भी है, समझो चेस्ट में है, पेट में है, पेट के ऊपर है, पीठ में है, कंधे पे है, कहीं पे भी है, सर में है, हाथ में है, पाँव में है, कहीं पे भी है, जहां पे है उसको रंगोली निकालो आजू बाजू में। तीसरी बात, वहां से जाने वाली जो मेरिडियन है, वहां से जाने वाली जो मेरिडियन है वो मेरिडियन से ची ठीक से पास नहीं हो रही है, बीच में कहीं जाके अटक रही है और वहां वो गांठ बन गई। तो हमें क्या करना है, फिर से मैं वही बोलूंगा, मेरा जो 3G का रूल है पॉइंट सिलेक्शन के लिए, वो 3G रूल अप्लाई करो। वहां से जाने वाली मेरिडियन और उसके ऊपर का 3G का जो थर्ड गोल्डन रूल है, वो थर्ड गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके आप एक प्रोटोकॉल बनाओ, आप कभी फेल नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा कभी कुछ आ जाएगा तो, और लोगों ने 2-3 और चीजें बोली है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मेरी सोच ठीक से हो जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखो, कभी भी हमें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करनी है, मेडिकल डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट करनी है, तो हमें क्या करना है, बंधी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की, वो जो मुट्ठी बंधी हुई है ना डायग्नोसिस के नाम की, उसको तोड़ना है, उसको फोड़ना है, उसको विभक्त करना है, उसको अलग करना है, और उसके 2-3 टुकड़े सामने रखेंगे तो सब बातें खुली हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, और आप वो मेडिकल डायग्नोसिस को आप एक्यूपंक्चर के साथ जोड़ने में बहुत आसानी से कामयाब हो रहेंगे। और जब भी आप दिल से यानी सोच समझ के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं,
तो रिजल्ट 1000 टाइम बेटर आते हैं। इसलिए मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट 1000 टाइम बेटर आते हैं, अच्छे आता है, क्योंकि उनकी सोच क्लियर रहती है और वही सोच मैं मेरे 3 ईयर के साइंस कोर्स पे देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हरिओम।